विलायत हुसैन खां। स्वर्गीय विलायत हुसैन खां आगरा घराने के ऐसे प्रतिनिधि थे जो प्राचीन वातावरण में रहने के बावजूद विद्यादान में बड़े उदार थे। उन्होंने सैकड़ों व्यक्तियों को संगीत की शिक्षा दी, जिनमें से उल्लेखनीय नाम हैं श्रीमती अंजनी बाई नारवेकर, पुत्र यूनुस हुसैन खां, सरस्वती बाई फातफैरकर, इंदिराबाई वाडकर, जगन्नाथ बुआ पुरोहित, दत्तू बुआ इचलंजीकर आदि। उनका कहना था कि जो विद्या हमने पाई है उसे यही रख कर जाएंगे। वह बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे। कष्ट के समय में भी ना तो किसी के सामने हाथ फैलाते थे और ना किसी का एहसान लेते थे। उदाहरण के लिए एक समय की बात है, सन 1920 में खां साहब की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। उनके पिता के शिष्य भास्कर बुआ बखले ने उनकी आर्थिक सहायता करने की एक उक्ति निकाली। उन्होंने एक संगीत का जलसा किया जिसमें दोनों व्यक्तियों ने प्रदर्शन किया। खर्चा निकालने के बाद बची हुई 1600 की राशि को भास्कर बुआ ने खां साहब को भेंट कर दिया। खां साहब ने उसे स्वीकार करने के बाद तिलक स्वराज फंड को अर्पण कर दिया। उस समय यह बहुत बड़ी राशि थी। विलायत हुसैन का जन्म सन 1896 के लगभग मैसूर में हुआ। पिता स्वर्गीय उस्ताद नत्थन खां अपने समय के माने हुए संगीतज्ञ थे जो मैसूर रियासत में नियुक्त थे। सन 1901 में पिता की मृत्यु हो जाने पर उनका परिवार बंबई जाकर बस गया। उनकी संगीत शिक्षा स्वर्गीय करामत खां से प्रारंभ हुई। 3 वर्षों के बाद आप अपने बड़े भाई उस्ताद मोहम्मद बख्श से सीखने लगे। उनसे आपने ध्रुपद धमार की तालीम ली। इनके अतिरिक्त आपने कल्लम खां, अब्दुल खां, गुलाम अब्बास खां आदि व्यक्तियों से संगीत शिक्षा ग्रहण की। बाल्यावस्था से ही ध्रुपद धमार बहुत अच्छा गाने लगे। फयाज खां आपको अपने साथ संगीत सभाओं में ले जाते और पहले विलायत खां का गायन रखवा कर महफिल जमवा देते थे, तब स्वयं गाने बैठते। कुछ समय तक यह क्रम चलता रहा। कुछ दिनों बाद वे जयपुर पहुंचे। वहां आप अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के संपर्क में आए और उनका गायन सुना, जिससे उन्हें बहुत लाभ हुआ। कुछ समय तक वहां रहने के बाद पुनः बंबई लौट गए। वहां रहकर खूब अभ्यास किया और अनेकों को विद्यादान दिया। सन 1935 से 40 तक आप मैसूर दरबार में गायक की तरह नियुक्त थे। कुछ समय के लिए कश्मीर में भी रहे, जहां राजकुमारों को संगीत की शिक्षा दी। उसके बाद पुनः बंबई में रहने लगे। वाराणसी की संगीत परिषद ने आपको संगीत रत्नाकर की उपाधि से विभूषित किया। कुछ वर्षों तक आकाशवाणी में संगीत सलाहकार का कार्य करते रहे। आप आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से तथा आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अपना कार्यक्रम प्रसारित कर चुके हैं। 12 मई सन 1962 को आपने अपना अंतिम आकाशवाणी कार्यक्रम दिया और 18 मई को इस संसार को त्याग दिया। खां साहब स्वभाव के सरल और मिलनसार थे। वे आत्म प्रशंसा से दूर थे। उन्हें प्रचलित और अप्रचलित और अप्रचलित रागों की बहुत सी चीजें याद थीं। इसलिए संगीत नाटक अकादमी दिल्ली ने उनके गायन के अनेक रिकॉर्ड तैयार कराए। आगरा घराने के होने के कारण नोमतोम का आलाप जबड़े की तानों और बोल बनावों पर अधिक बल देते थे। भारतवर्ष के लगभग सभी अच्छे संगीत सम्मेलनों में भाग लेकर उन्होंने काफी यश प्राप्त किया।